नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मधुपुर से शुभम सिंह की रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा आरंभ। विश्व प्रसिद्ध मृदुल कृष्ण जी महाराज करेंगे कथा वाचन। मधुपुर में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। मधुपुर राम मंदिर ठाकुरबाड़ी एम मदर्स इंटरनेशनल हॉस्टल से कलश यात्रा निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंची। बैंड बाजों पर बज रही धुनों से वातावरण भक्ति में हो गया। प्रसिद्ध व्यवसायी सह श्रद्धालु श्याम सुंदर कलबलिया की माता स्वर्गीय मालती देवी कलबलिया एवं पिता स्वर्गीय नथमल कलबलिया की स्मृति में शहर के कुडू बंगला स्थित मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी परिसर में आज से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज कथा सुनाएंगे। गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज अध्यात्म जगत के ऐसे वक्ता हैं, जिनके द्वारा कही गई कथा को हर कोई सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैसे महाराज जी की कथा करने की शैली इतनी सौम्य है कि हर कोई कथा सुनकर आनंदित हो जाता है। विश्व विख्यात श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के वक्ता श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज का पहली बार देवघर में आगमन होने जा रहा है। उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। कथा पंडाल में करीब 10,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पंडाल में एसी, कूलर और बड़े बड़े पंखों की व्यवस्था की गई है। कथा दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगी। मैं इस वक्त मधुपुर में हूँ, जहाँ पर 7 दिवसीय भागवत कथा को लेकर क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज माताएं और बहनों के द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस वक्त हमारे बीच कथा के आयोजनकर्ता मनोज कलबलिया जी हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कथा के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। सर, ये कथा भागवत कथा मधुपुर में आयोजित की गई है। अभी 2 साल हम लोग कोरोना से परेशान थे, उससे अब निकलते हुए हमने कहा एक भागवत का आयोजन हो, ताकि पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो और हमारे पूर्वजों को भी शांति मिले। भागवत का आयोजन हमने किया है, इसमें कथावाचक देश विदेश के में विख्यात हैं श्री मधुर का शास्त्री जी, वो आ रहे हैं। ये भागवत चलेगी 23 से लेके 29 तारीख तक और 30 तारीख को भंडारा है। ये प्रोग्राम है भागवत का, रोज शाम को 3 से लेके 7:30 बजे तक। कथा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष तैयारी की गई है? श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुंदर पंडाल की व्यवस्था की गई है। कुर्सी है, गद्दा है, जिनको जहाँ बैठना हो वहाँ बैठे आराम से। पानी चाय की व्यवस्था रहेगी, चप्पल रखने की व्यवस्था है, बाहर में पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था की गई है। कथा का समय सारणी क्या रहे? वही शाम को 3 बजे शुरू होकर शाम को 7:30 बजे तक। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम राधेश्याम अग्रवाल है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। कई दशकों बाद मधुपुर में इस तरह का बड़े आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही गर्व की बात है और ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा धर्मपरायण ये कार्य हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ये वर्षों से सोचते सोचते आज ऐसा दिन आया है, जो मृदुल शास्त्री जी जो आज मधुपुर पहुँचे हैं, ये हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारी पावन धरती मधुपुर में भी पहुंच सकते हैं और हम उनका कथा का जो रसपान आज करेंगे, आज से 23 मार्च से 29 मार्च तक, ये हमारे बहुत बड़ी गर्व की बात है। पहले तो देवादिदेव महादेव को अतिशय पावन प्रिय भूमि में इस तरह का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समान है। जनता में इसका विशेष महत्व है, विशेष उल्लास है। और आपको थोड़ा हम सुधार दें कि कई दशक के बाद नहीं है, मधुपुर में ये तीसरी बड़ी भागवत है जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके जो वेद व्यास कथावाचक हैं भारत में टॉप 5 में है, हम लोगों के लिए गौरव मिश्रित क्षण है कि हम लोग उनको सामने में लाइव श्रद्धा माने सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, देख सकेंगे। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।